बॉम्बे लीग ने सबसे पहले जिस मुद्दे को उठाया था कि महाराष्ट्र पुलिस के बीड इलाके में मौजूद ललिता सालवे जो अपना सेक्स चेंज कराना चाहती हैं, सबसे पहले बॉम्बे लीग ने इस खबर को लिखा, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस में हड़कंप मच गया। ये एक पुलिस कांस्टेबल के अपने जाति अधिकार थे जिसका वो उपयोग करना चाहते थे। फिलहाल वो मुंबई हाई कोर्ट में, उन्होंने अपने अधिकारों को पाने के लिए मुंबई हाई कोर्ट में दस्तक दी। ललिता जी, सबसे पहला सवाल ये है कि पूरा मामला बताइए कि क्या हुआ था, आपने कहाँ अप्रोच किया था और आपको न्याय नहीं मिला जिसके बाद आपने मुंबई हाई कोर्ट की दहलीज पे दस्तक दी। मैंने डीजी ऑफिस और एसपी ऑफिस वहाँ पे एप्लीकेशन दे दिया था, वहाँ से परमिशन नहीं मिला, तो इसके बाद मैंने हाई कोर्ट में, इसलिए कोर्ट में आना पड़ा। पहली बार जब आपने बॉम्बे लीग से बात की थी तो उस वक्त, उसके बाद से लगातार आपके फ़ोन बंद थे, आप किसी से बात नहीं करते थे, वजह क्या थी इसकी? जो वजह तो ये थी कि हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट के कोई नियम रहते हैं, ऐसा ना हो कि हम खुद होकर जाना, मीडिया के सामने खुद होकर अपना जो हक है मीडिया के तरफ से, कि जो मुझे हमारा ऑफिस बोले कि आप उल्लंघन करके अपना मीडिया के सामने जाके अपना हक मांग रहे, इसकी वजह से मैं अपना मोबाइल और मैं अपने खुद को चार दीवार के अंदर रखा था, कैद कर लिया था और आईन सामने नहीं आ रही थी। आपने अपने इलाज के लिए जे हॉस्पिटल में डॉक्टर से मशवरा लिया, डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बुलाया था कि आ जाओ आपका ऑपरेशन, परमिशन लेकर आओ आप अपने ऑफिस को। आपने भीड़ के एसपी को लेटर लिखा था, भीड़ के एसपी ने कहा कि इस तरह के नियम के लिए इस ऑफिस में कोई नियम कानून नहीं है, उन्होंने राज्य के डीजी को लेटर भेजा, तकरीबन 2 से 2.5 महीने का समय लग गया। हाँ। क्या इस 2 से 2.5 महीने में आपको ये नहीं लगा कि एक न्याय पाने के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा हो गया? सही जी, सही है, वो बात तो सही है, मानसिक तकलीफ तो बहुत होती थी, मगर क्या करें। परिवार से आपको किसका सपोर्ट था इन सारी चीज़ों में? मेरे मामा अर्जुन राव जी उसगरे और मेरे माँ बाप, उनका सपोर्ट है मुझे। अब आपकी जो ये जो अर्जी है मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, आपको लगता है कि हाई कोर्ट से आपको न्याय मिल जाएगा? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे हाई कोर्ट से मेरा हक जो है वो मिल जाएगा। अगर हाई कोर्ट से आपको इस बात की इजाज़त दे दी जाती है तो शायद ये महाराष्ट्र में ये पहला ऐसा केस होगा कि जिसमें जो है एक लेडी कांस्टेबल जो है अपने आप को ललिता सालवे से ललित कुमार मानने की, ये पहला केस होगा। हाँ, हो सकता। ललिता के मामा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में इनके साथ पूरी तरह से सपोर्ट में खड़े रहे। आप बताइए कि ये कैसे आपको ये इत्तेफाक हुआ, ये कैसे ये बातों का पता चला, क्योंकि जब पहली बार इनसे मेरी बातचीत हुई थी इन्होंने आपके बारे में कहा था कि आप इनका सपोर्ट करते हैं, किन चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला था, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के विरुद्ध था। मुझे ऐसा लगे मेरी भांजी अगर जीवन में सुखी रहे, यही मैं चाहता था, इसलिए अगर वो चाहती है तो ऑपरेशन करवाना चाहती है, सर्जरी करवाना चाहती है और अपना जीवन सुखी बनवाना चाहती है तो मेरा सपोर्ट रहना चाहिए, तो मैंने दे दिया। तो ललिता के साथ उनके परिवार का भी पूरा समर्थन रहा है, वो उनके साथ खड़े रहे। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से जब बॉम्बे लीग ने खबर प्रकाशित की तो उसके बाद से हड़कंप मच गया, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी जो है राज्य के डीजी को जो है ये निर्देश दिया है कि इस मामले में वो ललिता की मदद करें, लेकिन इनके वकील का कहना है कि मौखिक रूप से किसी तरह के आदेश से काम नहीं होता, बल्कि अगर राज्य के सीएम लिखित रूप से ये आदेश देते हैं तो हो सकता है कि हमें हाईकोर्ट भी जाने की ज़रूरत ना पड़े और ललिता के कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार की तरफ से जो मदद होगी उसके लिए वो उनके शुक्रगुजार होंगे। मुंबई से बॉम्बे लीग्स के लिए शाहिद अंसारी। ओके, थैंक यू।